हमारे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मेनोपॉज के कुछ बेसिक्स। जैसा कि आपने डिस्कस किया था कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये एक फेज है जो हर फीमेल की लाइफ में जरूर आता है। जरूरत है तो बस इसको समझ के इसे अच्छे से मैनेज करने की। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके जरूर देखिए, सो दैट दिस वीडियो मेक्स मोर सेंस टू यू। जब आपको पता चले कि आपकी मॉम को पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के सिम्टम्स आने लगे हैं, तो ये एक सही टाइम है उनकी लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने का। फर्स्ट, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब जिम में जाके बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करना नहीं होता है। घर पर कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस करना भी बहुत होगा, जैसे कि 30 मिनट्स की वॉक। स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट्स की वॉक करते हैं, वो आगे जाके बहुत एक्टिव और फिट रहते हैं। सेकेंड, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना। कि स्लीप हाइजीन क्या होता है? हाइजीन तो हमने सुना होता है, पर स्लीप हाइजीन का मतलब होता है रोज सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना। ऐसा करने से दिन में टायर्डनेस फील होना, काम करने की इच्छा नहीं होना, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। थर्ड, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना। अब अल्कोहल और सिगरेट्स के नुकसान तो आप सब लोग जानते ही हैं, बट स्पेशली मेनोपॉज में ये दोनों ही चीजें हॉट फ्लैशेस को और बढ़ा देती हैं। दिस इंक्लूड्स हुक्का एंड वेपिंग एज वेल, बिकॉज कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ दे आर नॉट सेफ एट ऑल। फोर्थ, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स को फॉलो करना। अब ये कहना आसान है पर करना मुश्किल है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। योगा अकेले करना बहुत मुश्किल है, सो वाई डोंट यू गो विद योर मॉम, ये आपकी और उनकी दोनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। फिफ्थ, हेल्दी डाइट को फॉलो करना, जिसमें कि कम से कम प्रोसेस्ड फूड हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि वेट को कंट्रोल रखना और दूसरा ओबेसिटी से होने वाली बाकी बीमारियों से बचाना। सिक्स्थ, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना। मेनोपॉज में यूरिन में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम निकलने लग जाता है। अब कैल्शियम की कमी के कारण आगे जाके फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम और बाकी माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो वाइटामिन्स को हम एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू सप्लीमेंट करें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलके अपनी रिकमेंडेड डोज में कैल्शियम जरूर लें। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पूरी फैमिली मेनोपॉज के बारे में समझे और खुद को एजुकेट करे, ताकि सब मिलके उन्हें इस फेज में सपोर्ट कर सकें। पूरी लाइफ उन्होंने बच्चों का और घर वालों का हमेशा ध्यान रखा, इट्स टाइम कि अब हम उनका ध्यान रखें और उनकी सेकेंड इनिंग्स में सपोर्ट करें। So like and share this video and subscribe to our channel to stay updated.